गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए, और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है पैरेललोग्राम्स पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, इन अ पैरेललोग्राम PQRS एंगल P इज इक्वल्स टू 2x प्लस 20 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 3x माइनस 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो ये हमारा डायग्राम है, इसमें पहला जो एंगल P है ये इसकी वैल्यू है 2x प्लस 20 और एंगल R जो है इसकी वैल्यू है 3x प्लस 20। उसको हमको फाइंड जो करना है, क्वेश्चन है फाइंड x, इसमें हमें x की वैल्यू को निकालना है। आपको पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 30, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया। अब आप देखिए कि जो 2x, एक x इधर, एक x इधर है, एक 30 इधर है, एक 20 इधर है, तो हम इनको लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30। हमने इस माइनस 30 को उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा प्लस 30, और 3x इस 2x को हम इधर लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा x और 20 प्लस 30 हो जाएगा 50। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि इसमें हमको ये p की वैल्यू थी, q की वैल्यू थी, इन दोनों को हमने इक्वेट किया क्योंकि दोनों बराबर, इसलिए हमने इनको इक्वेट किया। सो इक्वेट करने पे 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30, सो x की वैल्यू आ गई 50। तो ये क्वेश्चन है, इसका डायग्राम है और ये इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 and 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि दो बगल बगल की जो साइडें हैं पैरेललोग्राम की उनकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, हमको पेरीमीटर निकालना है पैरेललोग्राम का। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पूरा पैरेललोग्राम लिखने से अच्छा है कि ये रिप्रेजेंटेशन होता है पैरेललोग्राम का, ये दो लाइन पैरेलल और जीएम, इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम। सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ फोर साइड, यानी ये चारों साइडों को हम ऐड कर दें। अब हमको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी बराबर होगा 7 सेंटीमीटर और ये 4, और यहाँ भी होगा सी बी भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into AB प्लस
ईडी, क्योंकि हम टू करेंगे यानी कि साइड को भी हमने दो बार ले लिया, यानी कि साइड को ये दो बार हो गया और ये भी दो बार हो गया, सो इसका ये दोनों की जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, टू इंटू सेवन प्लस फोर, सो 22 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेरीमीटर इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला, फॉर्मूले में हमने पुट की वैल्यूज, सो ए बी जो है वो भी सी डी के बराबर है और बी सी डी के बराबर है, तो इनको हमने दो बार ले लिया, सो टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हमने ले लिया। सो इस तरीके से हमने इसका पेरीमीटर जो है वो निकाल लिया। सो ये क्वेश्चन है, इसका डायग्राम, इसका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर बोथ पैरेललोग्राम्स, इफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड एंगल एफ। अब देखिए, और दूसरा है फाइंड एंगल ए जी एफ। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें सबसे पहले पूछा है कि हमको एंगल एफ जो है वो निकालना है। तो एंगल एफ आप देखिए कैसे निकालेंगे हम, कि सबसे पहले जो है हमको निकालना है एंगल एफ। सो अब आप देखिए यहाँ पे कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है इसमें एंगल ए और एंगल सी, यानी कि एंगल ए और एंगल सी जो है ये इक्वल हो जाएंगे। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए वी टू बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल सी 60 है तो ए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो ये दोनों एंगल जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से एंगल ए जो हो गया वो हो गया 60 डिग्री, हम इसको मान लेते हैं कि ये हो गया 60 डिग्री। अब दूसरा जो पैरेललोग्राम है वो है ए ई एफ जी, इसमें आप देखिए कि ए और एफ अपोजिट एंगल्स हैं, तो अगर ए की वैल्यू 60 है तो एफ की वैल्यू भी 60 हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसका एक अपोजिट एंगल ही है। सो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। सो ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब हमको निकालना है एंगल ए जी एफ, ए जी एफ यानी कि एंगल जी। अब आप यहाँ पे देखिए कि इन पैरेललोग्राम ए ई एफ जी, ए ई एफ जी, ए ई एफ जी, इसमें देखिए कि एफ और जी जो है ये दोनों क्या है, एंगल्स जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मेरे पास एंगल एफ की वैल्यू है यानी कि 60 डिग्री प्लस एंगल जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल जी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो एंगल जी विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप देखिए कि यहाँ पे कि एंगल जी और एंगल एफ की जो सम होगा वो होगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो हमने 60 डिग्री की जो वैल्यू, एंगल एफ की जो वैल्यू है उसको हमने 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको एंगल जी की वैल्यू आ गई। सो ये इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसका सोल्यूशन इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े जो कि थे आपके पैरेललोग्राम्स पे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।